Next question. Question says, when radiation of wavelength lambda is used to illuminate a metallic surface, the stopping potential is V. Okay. When the same surface is illuminated with radiation of wavelength 3 lambda, stopping potential is V by 4. If the threshold wavelength for the metallic surface is n lambda, हमें बताना है n की integer value क्या होगी. ठीक है, again simple सवाल है. So, ये आपका basic concepts है कि ये आपकी metallic plate है, इसके ऊपर आपके radiation आए और यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो है अपने अगर इक्वेशन लिखेंगे आइंस्टीन की इक्वेशन एच सी बाय लैम्डा, उसको हम लिख सकते हैं एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट प्लस ई वी. इस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं. ये अपना पहले वाला केस हो गया. दूसरे वाला केस है जिसमें हम लिख रहे हैं एच सी डिवाइडेड बाय थ्री लैम्डा. पहले आपने लैम्डा की वेव दी है और उसके बाद आपने थ्री लैम्डा की, और इसका जो पोटेंशियल है इसकी एनर्जी जो ई वी नॉट वो है, और बाद में जो वो निकले सो वो ई वी नॉट बाय फोर है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट इज़. सो ये हो गया एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस ई वी नॉट बाय फोर. ये आपका सेकंड केस है. ठीक है, सो अब ये दोनों स्नैरियो हैं, इसमें हमें कहानी क्या करनी है, लैम्डा के ऊपर लैम्डा नॉट की कहानी करनी है. सो एक काम करते हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन जो है इसको हम दोनों साइड पे फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इस इक्वेशन का जो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एच सी बाय फोर एच सी बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू फोर एच सी बाय लैम्डा नॉट विल बी इक्वल टू प्लस ई वी नॉट. नाउ ये करने के फायदा हुआ है कि जब इन दोनों को डिलीट करेंगे तो ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी. सॉरी डिलीट नहीं, सबट्रैक्ट करेंगे तो आपकी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. सो इक्वेशन लेट्स से ये थ्री है. सो हम करते हैं अब इक्वेशन नंबर थ्री माइनस इक्वेशन नंबर वन. तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा थ्री एच सी बाय लैम्डा. ये वाली टर्म कैंसिल हो गई है और इससे ये माइनस करेंगे विल बी इक्वल टू आपका आएगा थ्री एच सी बाय लैम्डा नॉट. है ना, सो यहाँ पे लैम्डा कुछ गड़बड़ की हमने, यहाँ पे थ्री मिस कर दिया था. अलग ये गलती मत करना एग्जाम में, ये थ्री है. सो जब इसमें से आप ये माइनस करेंगे सो 4 बाय 3 में से 1 माइनस होएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा. सो एच सी विल कैंसिल हो जाएगा. सो आपकी लैम्डा की जो वैल्यू है इसको जल ले आते हैं. सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 9 लैम्डा नॉट. ऑलराइट, सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंटीजर वैल्यू है 9 वुड बी द राइट आंसर.